चलिए एक नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करना है, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं, और उसके बाद उनके कुछ लॉज हैं वो भी हम देखेंगे कि इनके कौन से लॉज हैं जिनको यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंट पावर्स। तो हमारे पास सपोज एक नंबर है 2 एंड नंबर इज 4, ठीक है। तो जब आपको इस नोटेशन में अगर आपको कोई नंबर लिखा हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बड़ा नंबर है, दिस इज कॉल्ड बेस, और ये जो आपको छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। तो इसका कॉमन वर्ड को हम पावर यूज करते हैं। सो बेस जो बड़ा नंबर है, बेस, और जो छोटा नंबर आपने टॉप साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर राइट साइड में, वो है आपका एक्सपोनेंट। और इस टोटल को आप बोलते हैं कि आपने ये नंबर जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा है, राइट, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आगे के आगे आप जैसे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सॉल्व करना होता है, और उसको सॉल्व करने के साथ साथ ही कुछ लॉज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुछ लॉज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको आपने कॉपी में भी नोट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब आपको यहाँ से आदत डाल लेनी चाहिए कि आप नंबर्स के साथ साथ जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके साथ भी आपको काम करना आना चाहिए, राइट। अब वेरिएबल्स कैसे होते हैं, वेरिएबल्स मीन्स ए टू जेड एनी अल्फाबेट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, राइट। तो अब यहाँ पर जो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताऊंगी वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होंगे, वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे, किस तरीके से है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर है आपका एक नंबर x, x वेरिएबल है, कोई भी नंबर हो सकता है, x में आप एनी नंबर जो आपको नंबर चाहिए वो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज एक नंबर है x और दूसरा भी नंबर है x, राइट, मगर दोनों की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, राइट। एक नंबर है x जिसकी पावर है m, दूसरा नंबर सेम है x जिसकी पावर डिफरेंट है n, राइट। और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स, और दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो भी बेस आपका सेम है उसको कॉमन निकाल लीजिए, जो भी बेस आपका सेम है उसको कॉमन निकाल लीजिए, और जो आपकी पावर्स है उनको ऐड कर लीजिए, राइट। जो भी आपकी पावर्स है वो ऐड कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दूँ, 2 raised to the power 3, ठीक है। बेस क्या है आपका 2, मीन्स x है आपका 2 और m है आपका 3, मल्टीप्लाई बाय सेम बेस ले लेते हैं विथ पावर 4। हमने क्या कहा था, बेस सेम है दोनों के, राइट, बट पावर्स डिफरेंट है। तो अब हमें करना क्या है, जो आपके बेसेस सेम थे उसको कॉमन निकाल लीजिए और पावर्स को ऐड कर दीजिए, 3 plus 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, राइट। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ये एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया। दूसरा लॉ देख लेते हैं, अगेन बेस आपके दोनों सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या है, डिवीजन, सेम बेसिस विद डिफरेंट पावर्स, और दोनों को आपने डिवाइड करना है। तो इसका तरीका होता है बेस को कॉमन निकालिए, और मल्टीप्लीकेशन में हमने यहाँ पावर्स को ऐड किया था, डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर भी, राइट, एग्जाम्पल हम दोबारा से इसी का ले लेते हैं, 2 raised to the power 4 divided by 2 raised to the power 3, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या है, डिवीजन। तो जो कॉमन बेस है उसको निकाल लीजिए और जो पावर्स है उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, 4 minus 3 4
फोर माइनस थ्री इज वन, और वन क्योंकि कभी आप लिखते नहीं है तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा टू, राइट। उसके बाद थर्ड है आपके पास, जब हमने यहाँ पर बेस कॉमन लिया है दोनों में तो अब बेसिस को डिफरेंट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हमने बेस सेम लिया था, पावर डिफरेंट ली थी, अब हम पावर सेम कर देंगे, बेसिस को डिफरेंट कर देंगे, राइट। ये सपोज m है एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू y रेज टू द पावर m। अब मैंने बेस डिफरेंट कर दिए, पावर सेम कर दिए, तो हम क्या करेंगे कि जो बेसिस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को कॉमन निकाल दीजिए। पावर को क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज टू रेज टू द पावर थ्री एंड थ्री रेज टू द पावर थ्री, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया है, बेसिस को डिफरेंट कर दिया है, पावर्स को सेम कर दिया है, तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करिए और पावर को सेम कर दीजिए, कॉमन निकालना है। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स रेज टू द पावर थ्री, ठीक है। ये आपके तीन लॉज हैं। इसके बाद लॉज आपके पास फोर्थ लॉ है, सेम यही कंडीशन हम डिवीजन के साथ करते हैं। बेसिस आपके डिफरेंट है और पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, राइट, और पावर को कॉमन कर दीजिए, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला लॉ है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव पावर को, अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो उस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए जो आपका बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अभी आपका बेस क्या है यहाँ पे, सपोज एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन एक्स, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए, राइट, पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। आपके पास सिक्स लॉ है, अगर कोई भी नंबर है आपके पास, एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू होती है वन। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी, राइट, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं उसकी पावर को अगर आप जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो वन हो जाती है। तो ये थे आपके कुछ लॉस जिनको आपने बहुत ही ध्यान में रखना है, राइट। कॉपीज में नोट कर लीजिए, ये लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है।